जी मैं इस एक एपिसोड में जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, एक ऐसे एपिसोड उसमें मैं सूत्रधार बन रहा हूँ, क्योंकि साधारण इंडिया के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो देश के वासियों को कुछ ना कुछ कह देते हैं, एक सबक सिखाते हैं, जिसके वजह से उनकी निजी ज़िंदगी में शायद बहुत फ़र्क पड़े। और आज एक जो कहानी हम कह रहे हैं थोड़ी सी ट्रेजडी वाली कहानी है, फिर भी बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण कहानी है, जो हर माँ बाप को, जो थ्री इडियट्स में हमने सुनाने की कोशिश की थी, उसका एक नया रूप है इस एपिसोड में। अच्छी बात है, ये राजकुमार साहब की खासियत है कि वो कैसे टाइटल सोचते हैं हमेशा। एक तो लगता है कि थोड़ा शायद नेगेटिव टाइटल है, पर सुनते ही आपको लगता है कि हाँ भाई, जो आपके मेंटर्स हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, जो आपके दोस्त हैं, कभी कभी आपको खड़ूस बुलाते हैं। और इस फिल्म में मैं एक ऐसा किरदार निभा रहा हूँ जिसे मेरी जो स्टूडेंट है वो मुझे खड़ूस ज़रूर बुलाती है, पर हमेशा उसका शुभ चिंतक रहा हूँ मैं, और वो जानती है कि उसकी अगर ज़िंदगी में कोई अच्छाई चाहता है तो वो मैं हूँ। और ऐसे हमारी ज़िंदगी में सबके पास खड़ूस होंगे।